सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन के हिसाब से ये बताया गया कि जो न्यूक्लियस है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के वन ऑफ द फोकाई पर बेस्ड है। ओके, जो बोर्स की थ्योरी है उन्होंने ऑर्बिट की शेप नहीं बताई थी, और सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ऑर्बिट की जो शेप है वो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल ऑर्बिट किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है, ये आपकी स्मॉलर एक्सिस होती है। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है जो न्यूक्लियस है वो वन ऑफ द फोकाई पे प्रेजेंट है। फोकाई मीन्स ये वाली फोकाई या फिर ये वाली फोकाई, दो फोकाई होते हैं, तो इनमें से किसी एक फोकाई पे न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है। तो ऐसा अज्यूम किया गया। सो अकॉर्डिंग टू एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अकॉर्डिंग टू हिम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस वॉज अज्यूम टू बी प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ओके, अब सर्कल में और एलिप्स में क्या अंतर होता है ये जान लीजिए। सर्कल जो है वो उसमें रेडियस कांस्टेंट होता है, एंगल जो है वो चेंज होता रहता है, बट एलिप्स में दोनों ही एंगल और रेडियस दोनों ही चेंज होते रहते हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड एलिप्स। नाउ ज़ीमन इफेक्ट, ये आपका वन वर्ड में पूछा जा सकता है। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन द एटम इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम इज प्रेजेंट इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीमन इफेक्ट। नेक्स्ट, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय कंसिडरिंग द रेडियल क्वांटम नंबर एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। रेडियल क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको। तो एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बाय कंसिडरिंग इट्स रेडियल क्वांटम नंबर एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। किसको कर सकते हैं, रेडियल क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को कंसिडर करके। रेडियल क्वांटम नंबर आपका एन आर होता है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के होता है। अगर हम इसको माने तो जो बोर क्वांटम नंबर है वो किस तरीके से बन जाएगा, एन इक्वल्स टू एन आर प्लस के। तो एन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद एन आर प्लस के। एन आर आपका क्या हो जाएगा, रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। और इसी को अगर कंसिडर करें तो ज्योमेट्री जो है एलिप्स की वो क्या हो जाती है, एन अपॉन के, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये था आपका सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये चैप्टर यूनिट वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आगे हम नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।